जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह 11 केवी लाइन को एलटी लाइन में कन्वर्ट करता है। यह मुख्यतः बिजली विभाग द्वारा हमारे खेत पर लगाया जाता है, जिससे कि हम खेत की सिंचाई के लिए पानी की मोटर को चला सकें। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए हम आगे इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाहरी भागों के बारे में जानते हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर का पैनल है। इसके अंदर एक एनर्जी मीटर लगा होता है, जो कि हमारा विद्युत कंजप्शन को दिखाता है, और लाइन मैन यहीं से हमारे मीटर की रीडिंग नोट करता है, और उसके बाद इससे हमारा विद्युत बिल बनता है। पैनल के इस भाग में एक एमसीबी लगी होती है, जहां से हम एलटी लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहां से हम एलटी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यहां पर एक इंडिकेशन लैंप लगा होता है, जो कि सप्लाई के ऑन या ऑफ होने का हमें सिग्नल देता है। जब ये इंडिकेशन चलता है तो हमें सप्लाई के होने का पता लगता है। ये ट्रांसफार्मर के रेडिएटर है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए काम आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए इस पूरे ट्रांसफार्मर के टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, जो कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म होता है तो ये ऊपर वाले हिस्से में ट्रांसफार्मर ऑयल जाता है, और इस रेडिएटर द्वारा फिर से ट्रांसफार्मर ऑयल नीचे आता है, और नीचे से ये ठंडा होकर फिर ट्रांसफार्मर के टैंक में चला जाता है। तो इस तरह यह रेडिएटर ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा रखने के काम आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एचटी बुशिंग्स के बारे में। यह एचटी बुशिंग्स 11 की लाइन को हमारे ट्रांसफार्मर में इनपुट कराने का काम करती है। यह पोर्सेलिन की बनी होती है, यानी कि चीनी मिट्टी की, जो कि एक इंसुलेटर है, और इससे 11 की लाइन हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाती है, और यह हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही ज़रूरी एक बाहरी पार्ट्स है। एचटी बुशिंग्स के ऊपर ये जो ब्रास की रोड लगी है, यानी कि पीतल की रोड, जो कि 11 की लाइन को हमारे ट्रांसफार्मर में इनपुट करने के लिए काम आती है। 11 की तार को इस नट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, और इस नट को अच्छे से टाइट किया जाता है, जिससे कि कोई भी लूज़ कनेक्शन ना हो, क्योंकि लूज़ कनेक्शन होने की वजह से स्पार्किंग हुई, और स्पार्किंग से कार्बन जमेगा। पीतल की ब्रास रोड लगाने की एक वजह ये भी है इसमें, कि पीतल की ब्रास रोड जो है, इससे कार्बन कम आता है, और इससे कनेक्शन अच्छा बना रहता है, जिससे कि स्पार्किंग होने की गुंजाइश कम होती है। ये है हमारे ट्रांसफार्मर का ब्रीदर। इस ब्रीदर के द्वारा बाहर की हवा हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, और इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरी होती है। सिलिका जेल भरने की वजह यह होती है कि जिससे हवा में जो नमी होती है वो सिलिका जेल सोख लेती है, और हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ सूखी हवा ही जा पाती है। सूखी हवा इसलिए भेजी जाती है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि अगर नमी वाली हवा इसमें पहुँचेगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल फॉल्ट की वजह बनेगी, और हो सकता है हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए इसकी वजह से। इसीलिए इस ब्रीदर के अंदर हम सिलिका जेल भरते हैं, जिससे कि नमी वाली हवा हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ना जा पाए। यहाँ हमें 4 एलटी बुशिंग्स नज़र आ रही है, जिससे कि हम आउटपुट सप्लाई प्राप्त करते हैं। 3 एलटी बुशिंग्स 3 फेज की है, और 1 एलटी बुशिंग्स न्यूट्रल की है। न्यूट्रल वाली एलटी बुशिंग को हम अर्थ कर देते हैं, और बाकी जो 3 फेज है उसमें प्रत्येक फेज में 220 वोल्ट हमें प्राप्त होता है, जिसे कि हम आगे ले जाते हैं सप्लाई के लिए, और हमारे खेत पर लगा स्टार्टर या मोटर में इसको हम कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। यह हमारे ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, उसकी वजह से बहुत अधिक ऊष्मा बनती है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है, और इस ऑयल के गर्म होने की वजह से वो ऊपर की ओर फैलता है, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी के फटने का डर बना रहता है। और जब गर्म ऑयल बॉडी से बाहर आता है तो
तो इससे किसी भी जान माल के हानि होने का हमें खतरा बना रहता है। और ये एक्सप्लोजन वेंट से क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो ये एक्सप्लोजन वेंट फट जाता है, जिससे ऑयल ऊपर की तरफ बाहर निकल जाता है और हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी ब्लास्ट नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे ट्रांसफार्मर के अगले भाग कंजर्वेटर के बारे में जानते हैं। कंजर्वेटर, इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल हम डालते हैं, जिससे इसमें होते हुए ट्रांसफार्मर ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर जाता है और इसके ऊपर लगा एक ढक्कन है जिसको खोलकर हम इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भर सकते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल रहता है। और कंजर्वेटर पर ही एक ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है, जिससे हम ट्रांसफार्मर में ऑयल कम है या ज़्यादा है ये पता कर सकते हैं। इस लेवल के 3/4 भाग पर अगर ऑयल दिखता है तो समझिए ट्रांसफार्मर में ऑयल ओके है और इसमें हमें ट्रांसफार्मर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑयल इस इंडिकेटर के आधे से नीचे चला जाता है तब हमें इसमें ऑयल का टॉपअप करना पड़ता है। ऑयल हमें ट्रांसफार्मर में इसका लेवल देखते रहना चाहिए, क्योंकि कम ऑयल होने से हमारे ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बन जाती है। इसीलिए इस लेवल ऑयल लेवल इंडिकेटर पर हम ऑयल का लेवल देखकर इसमें ऑयल कम या ज़्यादा का पता कर सकते हैं और उसके अनुसार हम इसमें कम होने पर ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। यह है हमारे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट। यहाँ इस नेम प्लेट पर हमें ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी का नाम, ट्रांसफार्मर कब बना है, ट्रांसफार्मर की गारंटी कब तक है, यह किस वोल्टेज रेटिंग पर काम करता है, यह कितना लोड ले सकता है, यह कितने केवीए का है। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी हमें केवीए में दर्शाते हैं कि ये 25 केवीए का है या 16 केवीए का है। आमतौर पर एग्रीकल्चर कनेक्शंस के लिए या खेत पर हम 16 केवीए, 10 केवीए, 25 केवीए तक के ट्रांसफार्मर यूज़ में लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस यूं ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।